तो दोस्तों बात करते हैं HDFC शेयर बैंक के शेयर के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं HDFC बैंक है दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं डे चार्ट खुला हुआ है दोस्तों। दोस्तों आज तारीख है, यहाँ पे देख सकते हैं 20 सितंबर 2023, 1:10 हो रहा है दोस्तों दोपहर का, और आज बुधवार का दिन है, और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है दोस्तों। तो बात करते हैं HDFC बैंक के शेयर के बारे में कि आज HDFC बैंक का शेयर इतना ज़्यादा क्यों गिरा दोस्तों। दोस्तों गिर गया है दोस्तों शेयर, तो इस बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता है नहीं दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है दोस्तों, इस वजह से शेयर में टेक्निकली गिरावट आई है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे बात है, यहाँ पे क्या करें निवेशक, निवेशक दोस्तों यहाँ पे पहली बात तो इस बैंक के शेयर को सेल नहीं करें। यदि वो सेल ज़्यादा कर रहे हैं दोस्तों तो उतना ही ज़्यादा शेयर गिरेगा। लेकिन दोस्तों मुझे पता है HDFC बैंक के बहुत ज़्यादा विश्वसनीय जो बैंक है और लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं इस पर, इसीलिए शेयर और ज़्यादा सेल नहीं होगा दोस्तों। और ये आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए रेंज बन रही है दोस्तों, मैं आपको बड़ा दिखा देता हूँ करके, ये देखिए दोस्तों पूरी रेंज देख लो आप, ये देखिए दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों कि जब भी दोस्तों यहाँ पे ऐसी कोई रेंज बनती है, ऐसा कोई चैनल बनता है, ये एक रेंज में ही घूम रहा है दोस्तों पिछले 3-4 महीने से। ये जब भी रेंज में घूमता है तो अगर उसको स्टॉक को ऊपर जाना होता है या चार्ट में चार्ट को ऊपर जाना होता है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे आके डिप करता है, फिर ऊपर जाके बाउंस बैक मारता है दोस्तों। तो इसी प्रकार का इसमें कुछ होने वाला है दोस्तों, देखते जाइए आप, आपको कुछ नहीं करना है, हर गिरावट पे सिर्फ और सिर्फ एवरेज ही करना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप ये मत भूलें कि अभी 1-2-3 महीने पहले ही HDFC बैंक और HDFC का मर्जर हुआ था दोस्तों, तब भी ये इसी भाव पे था दोस्तों, 2800 के शेयर का इसमें मर्ज हो गया दोस्तों, और बढ़ा नहीं शेयर और घट रहा है। तो दोस्तों ये बातें कुछ एक्सेप्ट नहीं होती हैं, अंदर से ही एक्सेप्ट नहीं होती हैं दोस्तों। दूसरी बात आप यहाँ पे देखें दोस्तों, ये जो जोन है दोस्तों ये लाइन है जो, ये बायर्स का एरिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये बायर्स का एरिया है। देखिए यहाँ से जब शेयर यहाँ आया था इस लाइन पे दोस्तों, तो यहाँ पे बायर्स इसको कहाँ तक लेके गए थे, देखिए दोस्तों यहाँ बायर्स इसको कहाँ तक लेके गए थे, ये बता देता हूँ दोस्तों, 1734 रुपये तक लेके गए थे दोस्तों यहाँ पे बायर्स। इसीलिए दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज आप थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं इसको। यदि आपके पोर्टफोलियो रेड हुआ है दोस्तों तो आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, और दोस्तों थोड़ी सी गिरावट कल भी आएगी, क्योंकि दोस्तों इस लाइन पे शेयर ज़रूर आएगा। और इस लाइन पे दोस्तों आप देख सकते हैं, इस लाइन का प्राइस है दोस्तों 1540 रुपये करीब, 1540 रुपये, 1520 रुपये तक भी आ सकता है दोस्तों शेयर, इसके बाद दोस्तों ये बाउंस बैक पक्का करेगा। बस दोस्तों अब ऐसा ही ना हो जाए कहीं किसी देश में, किसी देश की किसी देश से लड़ाई हो जाए दोस्तों, या फिर कोरोना टाइप कुछ आ जाए दोस्तों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी ये सब नहीं होगा ना दोस्तों, तो HDFC बैंक बहुत अच्छा बैंक है दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे HDFC बैंक को, ये 1800-2000 के लेवल अभी देगा 2-3 महीने में दोस्तों, इसीलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप इसमें निवेशित ही रहें, इसको सेल ना करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो मेरा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और नए अपडेट पाने के लिए घंटे का बटन भी दबाएँ नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों। दूसरा दोस्तों एक और बात बताऊं मैं आपको, मैं अपने चैनल पे दोस्तों हर एक कैंडल स्टिक का वीडियो डालता हूं, हर एक कैंडल स्टिक, ये आपके हैमर हो गए, ये आपके ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, मॉर्निंग स्टार, डोजी स्टार, इनसाइड बार, ब्लैक रोज, डोजी स्टार, जितने भी ये हैमर पैटर्न, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेव स्टोन, जितने भी सारे के सारे ये कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों, इनका मैं वीडियो अपने चैनल पे डालता हूँ दोस्तों, तो आप उसको चैनल विजिट करके देख सकते हैं दोस्तों लर्निंग पर्पस के लिए। और आप ये HDFC बैंक का जो एनालिसिस किया है ये भी मैंने लर्निंग पर्पस के लिए किया है दोस्तों, इसमें आप पेपर ट्रेल ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप यदि HDFC बैंक को लव करते हैं
तो दोस्तों आप इसमें रहें, कोई दिक्कत नहीं है, आप भरोसा रखें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।